हाल ही में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद अब RRR छाई हुई है। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। वहीं फिल्म RRR के प्रति फैंस का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा है। फिल्म में रामचरण के रोल को खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं आलिया भट्ट ने भी अपनी एक्टिंग का तड़का जबरदस्त डाला है। फिल्म की कामयाबी से हर कोई हैरान है। फिल्म कमाल की है। RRR ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कड़ी टक्कर दी है और ऐसा ही हुआ। दोनों के बीच लगातार कंपटीशन बना रहा। फिल्म RRR का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन अच्छा ही रहा है और अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन काफी शानदार रहा है। फिल्म दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो गई है। आपको बताते चले कि फिल्म RRR की शोहरत अब अपनी ढलान पर है। फिल्म की कमाई दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन दहाई के अंकों से भी नीचे रही। हालांकि तीसरे हफ्ते के पहले दिन यानी फिल्म की रिलीज के तीसरे शुक्रवार को इसमें फिर साधारण बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही फिल्म तेलुगु भाषा में नए रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। सभी की नजर फिल्म के इस सप्ताह की कमाई पर है। इस वीकेंड फिल्म कमाल दिखा पाती है या नहीं, ये तो समय आने पर पता चलेगा। अगर ये फिल्म इस हफ्ते भी शानदार प्रदर्शन करती है तो 1000 करोड़ रुपए का नेट कमाई का आंकड़ा छूते ही फिल्म मेकर्स का एक बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि ये फिल्म लगातार सुर्खियों में है। फिल्म को दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया। हाल ही में फिल्म की सफलता को लेकर पार्टी भी रखी गई थी जिसमें फिल्म के सभी स्टार कास्ट मौजूद थे। फिल्म के सभी सदस्य खुश नजर आए। बता दें कि फिल्म RRR ने अपनी रिलीज का तीसरा हफ्ता सधे कदमों से शुरू किया है। फिल्म ने दूसरे गुरुवार को अंतिम आंकड़ों के मुताबिक अपनी रिलीज के 14वें दिन कुल 9.9 करोड़ रुपए की नेट कमाई की है। इसमें फिल्म के तेलुगु संस्करण ने 3.59 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म को हिंदी भाषी राज्यों में अब भी लोग दक्षिण से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म ने तमिल भाषा में 94 लाख रुपए, मलयालम में 36 लाख रुपए और कन्नड़ में सिर्फ 1 लाख रुपए ही कमाए, जबकि फिल्म RRR का हिंदी कलेक्शन गुरुवार को 5 करोड़ रुपए के करीब रहा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।